आज इस विश्वविद्यालय में आके, इस कृषि विज्ञान केंद्र में आके मुझे बेहद खुशी हो रही है। बहुत मन करता है आप लोगों से खुले में बैठ के एक अच्छी सी गलबात करूं, एक गोष्ठी करूं, एक इंटरेक्शन करूं। वो कहते हैं ना, वे आई है हमारे घर में, ये खुदा की कुदरत है, कभी हम इनको तो कभी अपने घर को देखते हैं। वही बात हमारे मन में आई कि इस कृषि विज्ञान केंद्र को, इस घर को अपने मन में समेटे हुए हमारे आगे क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस पे हम बात करें। जहाँ तक स्मॉल रूमिनेंट पेस्टोरलिस्ट की बात है, ये वो कौम है, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्मॉल रूमिनेंट को पालने पोसने का एक लाइफ लॉन्ग ऑब्लिगेशन दे रखा है। अब देखो, जो भी हमारे कार्य है पूरी जिंदगी के, कई मकान बनाना, कई इंडस्ट्री में, कई कारखानों में, हम दूसरे स्टेट्स के लोगों को ला करके अपने पास काम कराते हैं, लेकिन ये स्मॉल रूमिनेंट वाला वो काम है जो अभी तक मेरे फार्मर ने अपने जिम्मे रखा, और यही काम है जो ऋषि मुनियों का काम है, यही काम है जो पैगंबरों का काम है, और ये काम जो है, मैं आपको यीशु के साथ कहता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, इस कार्य में कभी हमारे फार्मर का नुकसान होगा नहीं। लेकिन नुकसान कब होता है, जब इसके आगे काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे पास हैं इन पेस्टोरलिस्टों के लिए, इन नोमैड्स के लिए।